हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ समीर एंड यू आर वॉचिंग MSQ व्लॉग। सो गाइस, हम लोग हैं अल तवक्कल गोट फार्म पड़गा राहुर गांव में। पड़गा का न्यूली ओपन फार्म है ये। इसका फर्स्ट वीडियो है इस सीज़न का, क्योंकि लास्ट सीज़न में ये एकदम लास्ट मोमेंट पे पड़गा के अंदर आए थे, तो इनका कुछ इतना वीडियो वगैरह नहीं आया और एडवर्टाइजिंग नहीं हो पाई। लेकिन 2024 की सीज़न में फर्स्ट वीडियो बन रही है अल्हम्दुलिल्लाह MSQ व्लॉग्स पे आप लोगों के लिए। सो इस वीडियो के अंदर भी हम आपको कुछ बकरे वगैरह दिखाएंगे जो इनके सीज़न के जो बचे हुए बकरे हैं। इस बार तो सारे लोगों के ही साथ में ये हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इनको पार किया। इनके पास ज़्यादा बकरे नहीं बचा, वरना किसी के पास तो सौ बकरे बच गए। तो माशाल्लाह, जगह होने से ये फ़ायदा होता है कि बकरे अगर बच भी गए तो आपके पास खा रहे, तैयार हो रहे, इंशाल्लाह अब धीरे धीरे करके बिक भी जाएंगे आने वाले टाइम पे। ठीक है, सो ये वीडियो को भी पूरा देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को क्लिक कर ले। शूट की रिगार्डिंग कोई इंक्वायरी है तो डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी, इंस्टाग्राम आईडी आपको मिल जाएगा, मेल या DM करके आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर जिब्रान भाई का नंबर स्क्रीन के ऊपर आपको मिल जाएगा, आप लोग इनसे भी मेरा नंबर ले सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू कर दें। भाई अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। कह रहे थे भाई, अल्हम्दुलिल्लाह आपके पहले वीडियो काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह पहले वीडियो में काफ़ी अच्छी बातचीत की हम लोगों ने। जी, एक बहुत अच्छा हेल्दी कन्वर्सेशन हुआ अपना। जी ठीक है, इस वीडियो के अंदर भी हम लोग कुछ बकरे दिखाएंगे भाई। जी कितने बकरे हैं टोटल? ये 13 बकरे हैं। ये टोटल 13 है? जी ठीक है। ये भी ईद के टाइम का बचा हुआ माल है? ईद के टाइम का बचा हुआ माल है। ठीक है, तो माशाल्लाह गुजरी में है ये। और इसमें वेट रेंज अगर मैं आपको बताऊँ तो समझो तकरीबन 45 केजी से लेके 80 केजी तक का पास का बकरा है। 80 किलो तक के बकरे हैं जी। और मैंने एक चीज़ देखा हूँ आपके बकरों के अंदर, माशाल्लाह पैर पुर्जे सब बकरों के अच्छे हैं यार। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे बकरे हैं, कलरफुल बकरे हैं। वाह, हाँ। वाइट इस पे पता नहीं चल रहे थे, लाल एकदम उभर के आ रहे हैं। उभर के आ रहे हैं अभी, जैसे ये बकरा है इसका। इधर आओ ना जिब्रान भाई, इस तरफ आओ। आहा माशाल्लाह, बकरों की तैयारी देखो आप, बकरों की एक्टिवनेस देखो। ये सारे बकरे वैक्सीनेटेड है, बिल्कुल क्लाइमेट सेट है। ठीक है, और अभी सेलिंग के मूड में है, देना है इनको। और ये अपने पास पलाई पे भी कन्वर्ट कर लेंगे। खस्सी बकरे हैं सारे। ठीक है जिब्रान भाई, बकरे एक एक करके दिखाते हैं। हाँ जी भाई, जैसे ये एक पहला बकरा है। ठीक है, ये इसका वेट तकरीबन 50 के करीब होगा। ठीक है, इसका हो गया है चार दांत। ठीक है ठीक है, ये बड़ा बकरा पकड़ो जिब्रान भाई। कौन सा ये? ये देखिए, बकरे खरीदी को लेके आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? इसके लिए ट्रेनिंग आपने कहाँ से ली? उस पे भी बहुत हाथ जला है समीर भाई। अच्छा, बहुत हाथ जले उसमें भी। बहुत धोखा खाए। बहुत वो जो बोलते ना कि राजस्थान में एक वेट होता है, यहाँ पे आने के बाद में एक वेट होता है, उसका हमने बहुत सदमे खाए। वो भी झेल चुके हो? वो भी झेल चुके। मतलब पक गए? मतलब पक तो नहीं गए, पक रहे अभी, पक रहे, समझ गए, थोड़े से होशियार हो गए, थोड़े से समझदार हो गए। सही है ना? दिखाओ, ये 8 दांत का बकरा है, बड़ा बकरा है लेकिन माशाल्लाह। ये इसका वेट भी 70 के करीब होगा। 70? ये वाला बकरा दिखाओ, कलर ये वाला अपना पलाई का है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये अपने पास मतलब पर्सनल बकरा है ये? नहीं नहीं, ये अपना कस्टमर का बकरा है ये वाला। ओके, अपने से लेके पलाई पे रखे जी। ओके ठीक है। और ये नहीं, ये वाला तो अशरफ भाई के यहाँ पे पलाई पे था, फिर अशरफ भाई के जब पलाई उन्होंने स्टॉप कर दी तो यहाँ पर आ गया, क्योंकि जो ये ओनर है उनका एक बकरा हमारे पास में ही पल रहा है, व्हाइट वाला। ओके, वो अपना ही होम ब्रीड है, उन्होंने हमसे खरीदा। लेकिन अशरफ भाई ने जब पलाई बंद किए थे तब आप धानु में थे? तब हम धानू में थे। तो धानू में आया था बकरा? धानू में आया था। अशरफ भाई, ये तुम्हारा बकरा है? वो वाला समीर साहब का है। तो उनका धानू गया था, ये धानू से इधर आया। उनका एक सोजत हमारे पास में पल रहा था, जो हमारे से ही खरीदा था, हमारा होम ब्रीड था। ओके, वो अभी भी है। वो ये साल कुर्बानी करना चाह रहे थे पर वो हज पे चले गए तो हो नहीं पाया, कुर्बानी नहीं हो पाया। ओके, तो फिलहाल है पलाई पे। सही है ठीक है। चाचू एक आध दो बकरे और पकड़ के दिखा दो, इसको ज्यादा लेंदी। ये बकरा पकड़ो भाई, ये वाला, ये जी यार, ये पकड़ो, बहुत बहुत शानदार बकरा है। अरे रे, खरीदी जो करते हो आप लोग एजेंट के थ्रू करते हो या डायरेक्ट जाते हो? देखो हम लोग दोनों लगता है। ठीक है, हम खुद पर्सनली जाते हैं, लेकिन जब तक एजेंट हमको गांव-गांव ले नहीं जाएगा हमको पता नहीं चलेगा। सही है, तो एजेंट का भी रोल उतना ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन हम लोग पर्सनली जाते हैं, हर एक बकरा चूज करते हैं, चेक करते हैं और फिर लेते हैं। ये भी आठ दांत, लेकिन अच्छा बकरा है ये। 80 किलो वेट है, बहुत अच्छा है। इसके पैर देखो, बहुत अच्छा पोटेंशियल का बकरा है ये जी। और इंशाल्लाह रहेगा तो तैयारी अच्छी देगा। ठीक है, और ये वाला बकरा दिखवा दो एक।
इसकी कमान वमान। इसाक भाई पकड़ो, कौन सा बोल रहे? ये देखो, ये मुंह पे जो वाइट कलर, ये भाग रहा है ना जो उल्टा, ये वाला बहुत अच्छा बकरा है। लाओ तो दांत दिखाओ, छह दांत बेहतरीन, बहुत अच्छे होएगा ये। 60 किलो तक होगा, 60 किलो के आसपास है ना, अपन 55 60 पकड़ते हैं एवरेज, है ना? जी जी, ठीक है। और कितने दांत थे, कितने दांत तक के पकड़ा है ये? छह, ये नहीं पूरे टोटल लॉट, टोटल 4 6 8 और एक दो 8 है इसमें क्योंकि बड़े बकरे हैं, 4 6 8। ठीक है जिब्रान भाई, इनके रेट क्या कोट कर रहे हैं? इनका रेट अपने को 400 रुपीस केजी के हिसाब से, 400 रुपीस पर केजी जी। नेगोशिएट करेंगे इसके अंदर कुछ? हाँ थोड़ा बहुत कर लेंगे, करना ही पड़ता है। हाँ हाँ, है ना? बिल्कुल, क्योंकि आप मार्केट में बैठे हो, मार्केट में बैठे तो मार्केट में 10 रुपया उतारेगा नहीं तब तक उसको भी संतुष्टि नहीं लेती है, उसको नहीं लगता कि मैंने बकरा खरीदा। वो करेंगे तो नेगोशिएशन तो है यहाँ पे जी। ठीक है, और पलाई क्या ले लेंगे इन बकरों की? सेम 3000 रुपीज। ठीक है, अगर बाहर से कोई बकरा आता है तो उनकी भी पलाई सेम रहेगी? उनकी भी पलाई सेम रहेगी। ठीक है, अपने बकरों को तो कुछ नेगोशिएट करना चाहिए ना, ऐसा मेरा सवाल है। ऐसा कितना करना चाहिए? नहीं मतलब वो आप करो। हाँ वो आप करो, लेकिन ठीक है, बकरा अगर आपसे पलाई आपसे बिकेगा और आप ही के पास पलाई पे रहेगा तो कुछ आपको उनके लिए रियायत करना चाहिए, मेरा ऐसा अंदाज है, ताकि लोगों का कन्वर्जन ज्यादा हो। बिल्कुल, तो अगर ठीक है तो स्कीम तो 2500 रुपये पलाई जो आपसे लेगा, ये जो हमारे वीडियो नंबर 2 वीडियो नंबर 1 जो भी बकरा देखे जो हमसे खरीदे हमारे पास रखे, ठीक है, तो उसमें हम रेट में भी नेगोशिएट कर देंगे और पलाई में भी 2500 रुपये कर देंगे। ठीक है, बहुत अच्छे। सो यहाँ से बकरा लोगे तो फायदे में रहोगे, 2500 रुपये पलाई पे बकरा यहाँ पे आपका इंशाल्लाह तैयार होगा। तो और जो भी है आप इनसे काम बात करें, कॉल करें, यहाँ आए देखे। पड़गा का न्यूली ओपन सेटअप है ये दो बकरे बहुत अच्छे, छोटे छोटे भाई। जिब्रान भाई जरा दिखवा दो दांत के, ये कैसा है? लोग ज़्यादा जल्दी ये करेंगे क्योंकि दो दांत पे ही हो गए लगभग ये। हाँ, ये दोनों को जोड़ी में दिखाओ साथ में, कौन सा ये दोनों बकरे? हाँ बहुत अच्छे बकरे भाई, ये जोड़ी में ही कोई ले दे ना तो ज्यादा अच्छा रहेगा जी। ये देखो, और ये घर के पले हुए बकरे हैं भाई। हाँ, ये जंगल वाला माल नहीं है, दोनों दो दो दांत, दो दांत पे, ये भी दो दांत, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, क्या बात है माशाल्लाह। तो और सब वैक्सीनेटेड है, सब वैक्सीनेटेड, क्लाइमेट सेट है, सारी चीजों में बकरे तैयार है आपके सामने है। और बारिश के मौसम में है ये सब चीजें हैं जी। जब बारिश जाएगी और जब बकरी गर्मी आएगी ना तो जब बकरे की जो तैयारी होगी तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, सो जिब्रान भाई ये वीडियो को क्लोज करें। जी जी, है ना? ओके, ठीक है, सो ये वीडियो क्लोज करते हैं। नंबर मैं स्क्रीन के ऊपर जिब्रान भाई का दे दूंगा, जो कोई भी इंटरेस्टेड हो यहाँ आओ देखो, पसंद करो, कांटा करो, जो वेट आएगा उसके हिसाब से पेमेंट करो। बकरे पलाई पे देना है, यही बकरे लेकर पलाई पे दोगे तो 2500 रुपये पलाइए, बाहर से आप अगर बकरा लाते हो तो 3000 रुपये पलाइए फ्लैट जी। ठीक है, सो मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।